और सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने क्या किया, आप यकीन मानिए, कोविड टाइम में आपको पता है लॉकडाउन कितने कितने टाइम का, कभी 3 महीने का, कभी और उसे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया। इस सरकार ने लॉकडाउन में भी उन स्ट्रीट वेंडर से किराया लिया है, ये सबसे बड़ा धोखा है। दो टर्म में लगातार किरण खेर मैडम भाजपा से यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं और उन्होंने चंडीगढ़ के लिए काम ही नहीं किया। मैडम के पास तो टाइम ही नहीं है आम जनता से मिलने के लिए, और अब उन्हें पता है कि ये सीट वो हारने वाले हैं, तो इस सीट का ठीकरा उन्होंने आदरणीय संजय टंडन जी के साथ फोड़ने का काम कर दिया। टंडन जी अच्छे आदमी है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, परंतु जब आपके पहले ही सांसद ने काम नहीं किया, आप उनके पापों को धड़ को कैसे फोड़ दिया? आप एक नई पार्टी, आप पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं, आप अगर मेजोरिटी में नहीं आते हैं, आप यहाँ से जीत जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ संसद में जाके इन मुद्दों को उठा पाएंगे और उनको पूरा कर पाएंगे? कहने में यहाँ से आपके मन से बैठ करके कांग्रेस और भाजपा दोनों को चैलेंज करके जा रहा हूँ। मैं अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ में एक एफिडेविट जरूर जनता के बीच में लेकर के जाऊंगा कि अगर मैंने अपने वादे किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो मैं दोबारा से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और अपने पद से इस्तीफा भी दे दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। लोकतंत्र का पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव की बात करें तो पूरे भारत में इस समय जो माहौल है उसमें बहुत गहमा गहमी है। छठे चरण के चुनाव कल हो जाएंगे और चंडीगढ़ में 7वें चरण के चुनाव जो है 1 जून को होने वाले हैं, और जितने भी लोकसभा प्रत्याशी जो चंडीगढ़ से उम्मीदवार हैं वो सब पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो उम्मीदवार अपने साथ पूरी पब्लिक को, चंडीगढ़ के लोगों को, चंडीगढ़ के वोटर को जोड़ सके। इसी कड़ी में हमारे साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी से दीपांशु शर्मा भारतीय जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका मैनिफेस्टो, क्या लेकर आए हैं वो लोगों के लिए, वोटर के लिए क्या लेकर आए हैं। दीपांशु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद दत्ता जी, नमस्कार। और मैं शुक्रगुजार हूँ अर्थ प्रकाश टीवी का कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के एक बहुत बड़े मुद्दे में के लिए लड़ाई लड़ रही है, कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम से। पिछले 2 साल से ये लड़ाई हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं। हमारा कहना है कि जिन लोगों का कारोबार, धंधा, बिजनेस लॉकडाउन में, GST में बंद हो गया, उनकी क्या गलतियां थी। आज उनके पास पैसा नहीं है EMI चुकाने के लिए। सरकार जब बड़े बड़े व्यापारियों का लगभग, ये ऑफिशियल डेटा है, सरकार का डेटा है, लगभग 16.5 लाख करोड़ से ज्यादा ऑफिशियल माफ कर चुकी है बड़े व्यापारियों का, 20-25 लोगों का, तो भारत की आम जनता का क्यों नहीं माफ कर सकती। ये सरकारी डेटा है कि 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने पिछले 2 साल में सुसाइड कर लिया कर्जे की दलदल में। आप आज ही की एक न्यूज़ पढ़ लीजिए, पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया कर्जे में, अपने आप को भी खत्म कर लिया, अपनी वाइफ को भी और अपनी छोटी बेटी को भी खत्म कर लिया सिर्फ कर्जे की वजह से। जी, तो कर्जा एक बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या को लेकर के अखिल भारतीय परिवार पार्टी काम कर रही है और चंडीगढ़ में हम चंडीगढ़ के लोकल मुद्दों पर कंटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो है, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। देखिए, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मतलब यह है कि हर भारतीय की पार्टी, क्योंकि अगर आप भाजपा की बात करें तो लोग उसे एक विशेष वर्ग से जोड़ के देख देते हैं, आप कांग्रेस की बात करें तो फिर उसको भी एक विशेष वर्ग से जोड़ दिया जाता है, बसपा की बात करें वो भी एक विशेष वर्ग की पार्टी होकर रह गई, पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरे देश की पार्टी है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जब पार्टी में आता है तो सबसे पहले भारतीयता की शपथ लेता है कि मैं किसी भी व्यक्ति के साथ, भारतीय वो होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा और स्वेच्छा से अपने नाम के साथ में भारतीय शब्द लगाऊंगा, क्योंकि जो भारतीय जो शब्द है ना, हमें एक सूत्र में बांधता है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, इनको खत्म करता है। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मतलब ही भारत है और भारत की संपूर्ण जनता को साथ लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी पूरे देश में है तो वो अखिल भारतीय परिवार पार्टी। शायद यही के कारण है कि दीपांशु शर्मा अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दीपांशु जी, जो आपकी राजनीति है, ये सफर कैसे शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ? देखिए, राजनीति का सफर तो जब मैं छात्र संघ राजनीति में था तब से रहा हूँ और अपने कॉलेज टाइम में मैंने छात्र संघ चुनाव लड़ा है, और उसके बाद एक इंटरेस्ट जो छात्र राजनीति का था वो जीवन में हमेशा रहता ही है जनता के लिए काम करने का, परंतु कभी अवसर नहीं मिल पाया। बड़ी पार्टियों में बहुत बड़ा परिवारवाद है, आप किसी भी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, बसपा की बात करें, तीनों पार्टियों में परिवारवाद है। और हिंदुस्तान के लगभग आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लगभग 20 से 22 हज़ार ऐसे परिवार हैं जिनका कब्जा है,
परिवारवाद की राजनीति है। बिल्कुल ठीक है। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को जो साधारण परिवार से आता है, गरीब परिवार में रह करके पला बड़ा, जिसे अपनी पढ़ाई करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी और यहाँ तक पहुंचा, उसके लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म था तो वो अखिल भारतीय परिवार पार्टी थी। और राजनीति में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। मैं चंडीगढ़ वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनके लोकल मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं, एक एक करके उन सब पे भी बात करेंगे। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ही है जो हर वर्ग के लिए काम करेगी। हमें नहीं देखना आपका धर्म क्या है, हमें नहीं देखना आपकी जाति क्या है, हमें नहीं देखना आप किस वर्ग के हैं, हमने ये देखना है कि आप भारतीय हैं, आप चंडीगढ़ वासी हैं, हम चंडीगढ़ में रह के आपके लिए काम करेंगे, चुनाव के समय भी, चुनाव के बाद भी, और हमेशा करते रहेंगे। आप उत्तरांचल से हैं, चंडीगढ़ में पिछले कितने समय से आप हैं? 2011 में चंडीगढ़ में आ गया था। तो आप चंडीगढ़ के मुद्दों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल जी। तो कौन कौन से ऐसे चंडीगढ़ के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अपना जो मैनिफेस्टो है आपने तैयार किया है? देखिए, चंडीगढ़ में सबसे बड़ी बात क्या है कि बमुश्किल आज के समय में ना महंगाई इतनी हो गई है, रोटी कपड़ा और मकान ये तीन जरूरतें हैं। रोटी और कपड़ा तो चंडीगढ़ निवासी बहुत मुश्किल से मेहनत करके कमाई लेता है, घर एक बहुत बड़ा सपना हो गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में घर खरीदना आसान बात नहीं है। सरकार जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, चंडीगढ़ के वासी हैं, लगभग 20 साल 30 साल 40 साल से वहां के वोटर हैं, चंडीगढ़ के वोटर हैं, उनको आज तक घर नहीं दिया गया। और जिनको घर दिए गए, पूर्ण निवास कॉलोनियां जिनको बोलते हैं, उन पे आज तक मालिकाना हक नहीं है, वो किराया दे रहे हैं, किराएदार की तरह सरकार का जब मन करेगा उनको निकाल के बाहर फेंक देगी। तीसरा, बड़े घर जो हैं उनकी जो है रजिस्ट्रियां, बड़े घरों की रजिस्ट्रियां फ्लोर वाइज सरकार ने बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो 30 सेक्टर तक है, उन्होंने पूरे चंडीगढ़ में बंद कर दिया। आप पूरा सोचिए, एक 10 मरले का घर जिसकी कीमत 4 से 4.5 करोड़ आती है, एक साधारण परिवार का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। बिल्कुल ठीक। फ्लोर वाइज रजिस्ट्रिया सरकार ने बंद कर दी है, उनको खोलने का काम करेंगे। ठेकेदारी प्रथा ने चंडीगढ़ को खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ठेकेदारी जो प्रथा है उसने इतना समापन किया है चंडीगढ़ की आम जनता का कि आप और हम उसको सोच भी नहीं सकते। जो एक मध्यम वर्गीय काम करने वाले बंदे हैं, मजदूर हैं, उनके हिस्से का अधिकतर पैसा ठेकेदार खा रहे हैं। आप यकीन मानिए, 7 करोड़ से ज्यादा का घपला जो भी मेरे कल ही सुनने में आया है। अच्छा। वो भी चंडीगढ़ की जनता के साथ धोखा हुआ है। चंडीगढ़ में काम छोटे काम करने वाले किसने किया? ठेकेदारों ने किया है, ठेकेदारों ने किया है, और उसके लिए शायद अभी कल ही कोई पुलिस कंप्लेन भी हुई है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मैं एक सबसे बड़ा मुद्दा बता देता हूँ आपको चंडीगढ़ का, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ ये सरकार क्या धोखा कर रही है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, यही बैठे हैं यहाँ पर। इन लोगों ने क्या धोखा किया है कोविड टाइम में, आप यकीन मानिए। सबसे बड़ी बात तो क्या है, इनकी जो फीस है, मंथली फीस है, वो सबसे ज्यादा है। ना तो आपको पंचकुला में इतनी फीस मिलेगी, ना आपको मोहाली चली जाइए इतनी फीस मिलेगी, और ना ही इतनी फीस आपको जीरकपुर में मिलेगी। लगभग 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये वहां पर बैठने का चार्ज दे रहे हैं जो रेडी फड़ी वाले हैं। और इनके पास ना तो छत है, ना कोई टीन शेड है, ना कोई टेम्परेरी शेड इनको बना के दी है, कुछ भी नहीं है। आप आए या ना आए, आपको 100 रुपए प्रतिदिन लगभग के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने क्या किया, आप यकीन मानिए, कोविड टाइम में आपको पता है लॉकडाउन कितने कितने टाइम रहा, कभी 3 महीने का, कभी और उसे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया। इस सरकार ने लॉकडाउन में भी उन स्ट्रीट वेंडर से किराया लिया है। ये सबसे बड़ा धोखा है। जब कारोबार ही नहीं है, धंधा नहीं है, बंद है सब कुछ, तो आप किस बात का किराया ले रहे हो? बिल्कुल ठीक है। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती थी कि वो जो थे बड़े बड़े ऑफिस थे उनके किराए माफ कर दिए गए, तो क्या स्ट्रीट वेंडर से भी लिया गया? आप चली जाइएगा 15 सेक्टर में, 26 सेक्टर में चले जाइए, 19 सेक्टर में चले जाइए, पटेल मार्केट में चले जाइए, वहां सब आपको बताएंगे कि जो कोविड टाइम का किराया था वो उनसे लिया गया है। और जो अगर किसी को देने में विलंब हो गया तो विलंब शुल्क क्या था, प्रतिदिन 10 रुपए। आप एक दिन उसको अगर विलंब कर दे तो 10 रुपए पेनल्टी, 5 दिन कर दे तो 50 रुपए, और आपने एक महीना उसको डिले कर दिया तो 300 रुपए पेनल्टी के साथ आपको वो किराया देना पड़ेगा। और इस चंडीगढ़ में जो कॉरपोरेशन पे बैठी है भाजपा, और उसके अलावा कांग्रेस ने भी राज किया। देखिए, चंडीगढ़ की जनता ने आज से पहले 4 टर्म कांग्रेस का सांसद यहां से दे दिया। 2 टर्म में लगातार किरण खेर मैडम भाजपा से यहां से वर्तमान में सांसद हैं, पर उन्होंने चंडीगढ़ के लिए काम ही नहीं किया। मैडम के पास तो टाइम ही नहीं है आम जनता से मिलने के लिए, और अब उन्हें पता है कि ये सीट वो हारने वाले हैं। तो इस सीट का ठीकरा उन्होंने आदरणीय संजय टंडन जी के सर फोड़ने का काम कर दिया। टंडन जी अच्छे आदमी है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, परंतु जब आपके पहले ही सांसद ने काम नहीं किया, आप उनके पापों के घड़ों को कैसे भरोगे? चंडीगढ़ की जनता बहुत त्रस्त है। दीपांशु जी, जैसे आपने अभी बात की कि पिछले 4 टेन्योर जो रहे हैं वो कांग्रेस के रहे हैं, उसके बाद 2 टेन्योर जो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, इनकी केंद्र में सरकार भी रही है या ये ओपोजिशन में रहे हैं, बड़ी पार्टियां रही हैं, इनके जो सांसद थे चंडीगढ़ से वो चंडीगढ़ के मुद्दों को सॉल्व नहीं कर सके,
आप एक नई पार्टी है, आप पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं, आप अगर मेजोरिटी में नहीं आते हैं, आप यहां से जीत जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां संसद में जाके इन मुद्दों को उठा पाएंगे और इनको पूरा कर पाएंगे? देखिए सर, हम अपने मैनिफेस्टो में ये बात पूरा पूरा अच्छे से लिख रहे हैं। मेरी पार्टी का कोई भी सांसद जीत करके जब संसद में जाएगा, तो संसद में सांसद के पास एक अधिकार होता है कि प्राइवेट बिल के माध्यम से किसी भी चीज को सदन के पटल पर रख सके। बिल्कुल ठीक। और सरकार को उस पर जवाब देना पड़ेगा, और ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई काम जनता की, भारत की जनता के हित का है, तो वो सरकार को काम करना चाहिए। तो हम जितने भी मैनिफेस्टो अपने लेके जा रहे हैं, सबसे पहला कर्ज मुक्त भारत अभियान, सबसे पहले जीतने के बाद में इसके लिए एक प्राइवेट बिल संसद में लेकर के आएंगे, और फिर चंडीगढ़ की समस्त जनता के लिए जितने भी मुद्दे होंगे उनको सॉल्व करने का काम लेकर के आएंगे। मैं यहां से आपके मन से बैठ करके कांग्रेस और भाजपा दोनों को चैलेंज करके जा रहा हूं। मैं अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ में एक एफिडेविट जरूर जनता के बीच में लेकर के जाऊंगा कि अगर मैंने अपने वादे किए गए वादों को पूरा नहीं किया, तो मैं दोबारा से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और अपने पद से इस्तीफा भी दे दूंगा तुरंत। ये अगर तैयार है कांग्रेस इस अपने मैनिफेस्टो के साथ में एफिडेविट देने को तैयार है, भाजपा देने को तैयार है, आए जनता के बीच में मैं वो एफिडेविट लेके जा रहा हूं। दीपांशु जी, आज बड़ी बड़ी पार्टियां वोटर को बड़े बड़े प्रलोभन दे रही है, कोई 1 लाख की बात कर रही है, कोई फ्री पानी बिजली की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रलोभन है। आपकी पार्टी क्या प्रलोभन दे रही है, कुछ बताएंगे प्लीज? सर, प्रलोभन नहीं, हमने वादे किए हैं जो चंडीगढ़ की जनता से हैं, और चंडीगढ़ की जनता के लिए काम करने के लिए मैंने अपने मैनिफेस्टो की चीजें आपको बता दी। पूर्ण निवास कॉलोनियों में मालिकाना हक, एक सेल्फ हाउसिंग फाइनेंस स्कीम थी 2008 में सरकार ने लॉन्च की थी सरकारी इंप्लॉइज के लिए, उनके घर आज तक उनको नहीं मिले, वो घर दिलाने का अधिकार दिलाएंगे उनका, लगभग करोड़ों रुपया, आप यकीन मानिए, जो टोकन मनी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास में वो पिछले 2008-2009 से सड़ रहा है, उसका ब्याज इनके पास आ रहा है, पर वो ना तो घर मिला। अब वो बोलते हैं कि ये डील जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि जमीन के रेट बहुत हाई हो गए हैं, उस समय शायद 17-18 लाख में 1 BHK था, आज ये 50 लाख से ज्यादा मांगते हैं। पर उस इंप्लॉय की क्या गलती है जिसने अपनी खून पसीने की कमाई लगा उस समय टोकन मनी दिया होगा, जो अपने घर का सपना देखता होगा वो आज भी सड़क पर है। अब बात करते हैं प्रलोभन देने की। देखिए, प्रलोभन तो पार्टियां ये देती ही हैं। कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ बहुत बड़ा छलावा किया, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस बोल रही है हम 1 लाख रुपया आपको सालाना देंगे गरीब महिलाओं को। सर, ये बहुत बड़ा छलावा है। 2013-14 योजना आयोग की एक रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उस समय, केंद्र में उनकी सरकार थी, और उनका कहना था कि 33 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में गरीब नहीं है। बिल्कुल गरीब नहीं है। और आदरणीय राज बब्बर जी, जिनका कल चुनाव है और जो गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मुंबई में 12 रुपए में खाना मिल जाता है। तो जो कांग्रेस पार्टी 2013-14 में कह रही थी कि 33 रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो है गरीब नहीं है, आज वो 10 साल बाद ये बोल देगी कि 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ये जो 1 लाख है 15 लाख की तरह जुमला हो गया, ये कभी भी नहीं आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये हमेशा बड़े बड़े वादे करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्यों भाई, ये लड़ने का देश है क्या आपको लगता है? आप नारा क्यों नहीं दे सकते लड़की हूं आगे बढ़ सकती हूं? बढ़ सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। भाजपा की सोच भी ऐसी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे क्यों ना बढ़ाओ? बेटियों का अधिकार है, आधी प्रतिशत जो जनसंख्या है हमारी माताओं और बहनों की है, उनको अधिकार क्यों नहीं है? सबसे पहले अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2019 में जब रजिस्टर हुई, उसने अपने पहले ही ये था कि हम 2024 पहला चुनाव लड़ेंगे और सबसे पहला अधिकार जो महिलाओं को दिलाने का करेंगे, हम 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस तो अब 33 बोल रही है, 50 बोल रही है, हम तो 2020-21 से बोल रहे हैं। कांग्रेस के जितने किए हुए वादे हैं आज तक देश के साथ झूठे हैं, ये बोल रहे हैं। अब इन्होंने एक और इसमें दे दिया कि जिस वर्ग की आमदनी 20,000 रुपये, परिवार की आमदनी 20,000 रुपये होगी, उसको हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सर, आप एक चीज सोचने की और समझने की कोशिश कीजिएगा, एक जगह ये कह रहे हैं हम 1 लाख रुपए गरीब परिवारों को देंगे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो नहीं बता रहे, ये यही कहेंगे कि 100 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। अब आपने यहाँ पे अगर गलती से फ्री बिजली के चक्कर में इनको ये सर्टिफिकेट दे दिया कि हमारी इनकम 20,000 रुपए या इससे नीचे है, तो कह देंगे, फिर भी ये कहेंगे कि 20,000 रुपए तो कमा रहे हो आप, गरीब नहीं हो, आपको 1 लाख रुपया नहीं मिलेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़े जुमले हैं, धोखेबाजी है, कांग्रेस पार्टी झूठी सरकार है। और वर्तमान में जो सांसद प्रत्याशी यहां से हैं, देखिए वो पहले लुधियाना छोड़ करके आ गए, उसके बाद वो अनंतपुर साहिब छोड़ करके आ गए, और अब वो बहुत जल्दी, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया अपने एक भाषण में, योगी जी कुछ कांग्रेस के बारे में बोल करके गए, बाद में तिवारी जी ने कहते कि यहां से तो उड़ान भरने वाली है कांग्रेस, ये यकीन मानिए तिवारी जी यहां से उड़ान ही भरने वाले हैं, भाग और जितनी भी जो क्या कहते हैं जीत जो है उनके हाथ में नहीं लगने वाली, कांग्रेस की जनता इस छल में नहीं आने वाली।
यहां पर इनका गठबंधन आम आदमी पार्टी से है, आम आदमी पार्टी का कार्डर वो कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का कार्डर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। आप ये आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के लिए चलती है, दिल्ली से निकली तो हम साथ साथ हैं, जैसे ही पंजाब की सीमाओं में जीरकपुर आ गए, ठीक है, लालूडू आ गए, जीरकपुर आ गए, डेराबसी आ गए, तो यहां पर हम आपके हैं कौन, फिर जैसे ही चंडीगढ़ में वापस से एंट्री किया फिर हम साथ साथ हैं, और उसके बाद जैसे ही नया गांव या मोहाली चले गए फिर हम आपके हैं कौन, भाई ये कैसा गठबंधन है, ये समझ में समझते पर है। तो ये जो है ना दुनिया को जनता को धोखा देने वाले लोग हैं, कल को ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, कहेंगे कि हमें केजरीवाल जी काम नहीं करने दे रहे, वो राहुल गांधी को गाली देगा, भाई ये गठबंधन किस तरीके का गठबंधन है कि आप 200 किलोमीटर में कह रहे हो हम साथ साथ हैं, फिर 200 किलोमीटर बाद कह रहे हो हम आपके हैं कौन, और यहाँ पे तो 200 किलोमीटर भी नहीं, शायद 20 मीटर का ही रास्ता होगा। तो ये धोखा है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जनता को लूटने चाह रही है, इनके मैनिफेस्टो में एक एक चीज झूठी है। 20,000 रुपए कमाने वाले आदमी को गरीब नहीं मानेंगे, उसको 1,00,000 रुपया बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फ्री बिजली की बात करते हैं, पंजाब में चले जाइए आप, पिछले 14-14 घंटे 15-15 घंटे बिजली नहीं आती है फ्री बिजली के वादों पे, लोग बहुत परेशान है। आप यकीन मानिए आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं इकोनॉमिक, क्योंकि मैं फाइनेंस का स्टूडेंट भी हूं, एमबीए किया हुआ है फाइनेंस से। तो एक चीज मुझे बताइए कि 300 यूनिट आपको बिजली अगर फ्री दे रहे हैं, हम मान लेते हैं 7 रुपए मिल रही है आपको यूनिट, 8 रुपए, 10 रुपए मान लेते हैं, 10 रुपए यूनिट मान लेते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो 300 × 10 करेंगे तो आपका 3,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। आप 30,000 रुपए हर महीने कारोबार क्यों नहीं दे रहे उस घर में? जो व्यक्ति 30,000 रुपए हर महीने कारोबार देगा जिस व्यक्ति को, क्या उसे 3,000 रुपए का बिल देने में कोई कमी है? बिल्कुल ठीक। ये छलावा है देश की जनता के साथ में कि 300 यूनिट बिजली और पानी को फ्री देने के चक्कर में उनसे उनका रोजगार, उनकी शिक्षा का हक, उनके स्वास्थ्य का हक ये सरकारें छीन रही है। हमने अपने मैनिफेस्टो में सीधा सीधा कहा है हम व्यापारियों के लिए काम करेंगे, हम गरीब जनता के लिए काम करेंगे, चंडीगढ़ की जो जनता जिसके पास घर नहीं है उनके लिए काम करेंगे, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेडी फड़ी वाले, इनको 25,00,000 रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस हम सांसद निधि से प्रोवाइड करा के देंगे, क्योंकि ये बेचारे वकीलों के लिए, क्योंकि ये सारी सारी जिंदगी काम करते हैं सर, बिल्कुल ठीक है, अपने परिवार के लिए लगा देते हैं, पर अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, जीवन से जाना पड़े, तो उनके परिवार बेचारे सड़क पर जाते हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा उनका ये बेटा बनेगा। हम सांसद निधि से प्रत्येक ऐसे परिवार को जो इन सब जगह काम कर रहे हैं, उनको 25 मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, किसी भी कैटेगरी का, 25,00,000 रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। आपको आपके परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका ये बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त ये बैठा है आपकी चंडीगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए, हम ये सब प्रोवाइड करें। आपने इंटरव्यू के बिल्कुल शुरू में जब हमने बातचीत शुरू की एक बात कही कि कर्ज मुक्त भारत अभियान, ये क्या है, ये स्लोगन क्या है आपका? देखिए सर, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि कर्ज मुक्त भारत अभियान महाराष्ट्र में हमारे जब ये पार्टी के फाउंडर हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, ये महाराष्ट्र में किसी दौरे पे थे, तो वहां पे इनको पता लगा कि कर्ज में 6-6.5 लाख रुपए के लोन के लिए एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उनका दिल बड़ा पसीज गया। ऐसे बहुत किस्से पंजाब में भी हैं और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा हुए हैं। चंडीगढ़ में हमारे साथ लगभग 8,500 फैमिली डायरेक्ट जुड़ी है कर्ज मुक्त भारत अभियान से, पंजाब में लगभग 2,00,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान में 25,00,000 लोग आप यकीन मानिए कर्ज मुक्त भारत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ चुके हैं। हम पिछले 2 साल में लगभग 11,00,000 से 12,00,000 लोगों का डेटा आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय दे चुके हैं कि भाई ये कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, सरकार या तो इनके लिए क्या काम करे, या तो इनको 2 साल का टर्नओवर ऐसा दे दे कि ये बिना ब्याज का रहे, 2 साल बाद ये अपनी किश्तों को उतारने के समर्थ हो जाए, आपको पैसा दे देंगे, या फिर आप बड़े बड़े व्यापारियों का जब पैसा माफ कर सकते हो तो फिर इनका क्यों नहीं माफ कर सकते। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर को भी कई बार लिख चुके हैं, आरबीआई को भी लिख चुके हैं, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। बाद में उन्होंने डेटा भी लेना बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की अगर समस्या है तो वो इंडिविजुअली हमसे आकर के मिले। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो महाराष्ट्र में बैठा है वो दिल्ली नहीं आ सकता सर, जो केरल में बैठा है वो दिल्ली नहीं जा सकता, पंजाब वाला दिल्ली नहीं जा सकता, इसकी आवाज कौन उठाएगा? 25,000 से ज्यादा केंद्र हमने पूरे देश में खोले, सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की। पिछले साल इसी विषय पर हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की, 8 अगस्त 2023, लगभग 1.5 लाख लोग थे वहां पर जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए थे, और मान के आइए कि वो आसपास के लोग नहीं थे, पूरे देश से लोग आए हुए थे। कोशिश की लोगों ने आने की, पर हमने मना किया कि इतना बड़ा क्राउड संभालने की क्षमता ना तो हमारी है ना सरकार की है, अपना तय, आप जहां से अपने अपने पत्र भेजे हम पत्र भिजवाने का काम सरकार को करेंगे। तो जनता की ये जो लड़ाई है ना कर्ज मुक्त, हमारा कहना यही है कि सरकार या तो इन कर्जों को माफ करे, जब बड़े बड़े व्यापारियों को राइट ऑफ किया जा सकता है, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक को लगभग उनपे 47,000 करोड़ रुपया था, 37,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, यस बैंक ने अब सिर्फ और सिर्फ उनका 6,500 करोड़ रुपया माफ कर दिया हेयर कट के नाम पे।
आप सोचिए कि बड़े बड़े व्यापारी को हेयर कट और जनता का गला काट रहे हैं। सर विनम्र निवेदन है सांसदों से कि भाई पेंशन, मल्टीपल पेंशन लेनी बंद कीजिए। मैं आपके मन से ये उद्घोषणा करके जा रहा हूँ, मेरी पार्टी का कोई भी सांसद यहाँ से जीत करके जब जाएगा, ठीक है, अपने सेकंड टर्म में जीतने के बाद में, हम मल्टीपल पेंशन का विरोध करते हैं। हम कोई भी जीतने के बाद में, अपना एक टर्नओवर पूरा होने के बाद में पेंशन नहीं लेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मल्टीपल पेंशन सरकार सांसदों और विधायकों को दे रही है वो तुरंत बंद कर दे और जनता का कर्जा माफ करे उस पेंशन से। सरकार के पास बहुत सारा पैसा पड़ा है इस तरीके का, आप आज ही की न्यूज उठा के देख लीजिए। कल शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, आपको सुन के मजा आएगा। सरकार ने पिछले साल आरबीआई से लगभग 2,11,00,000 रुपए का डिविडेंड कमाया है। ओके, 2,11,00,000 रुपए का डिविडेंड बहुत होता है, ये पैसा पर्याप्त है, इससे कम पैसा लगेगा जनता का कर्जा माफ करने के लिए। इस पैसे से ही जनता का कर्जा माफ। इस अभियान में हमें कितनी सफलता मिली, कितने लोगों का कर्जा माफ करवा चुके हैं अब तक? सर देखिए, कर्जा माफ करना या ना करना ये हक वर्तमान में बैठी सरकार का है। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, पर इस अभियान के थ्रू हम क्या अच्छा काम कर पाए? हमने लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए थे और जो आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध करने जा रहे थे, उसको बचा लिया। अब कर्जे की समस्या को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो जाए, देखिए कैंसर की एक ऐसी बीमारी है कि वो व्यक्ति के साथ खत्म हो जाती है, पर कर्जा एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के साथ जाने, व्यक्ति डिप्रेशन में आके आत्महत्या तो कर लेता है पर वो कर्जा खत्म नहीं होता, नहीं होता। वो कर्जा उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को, उसके माता पिता को, उसके रिश्तेदारों को तंग करता है, कर्जदार परेशान करते हैं। और ऐसी ऐसी यातनाएं बहनों के साथ होती है ना, मैं आपको, मेरा दिल रोने का करता है। मैंने माताएं देखी हैं अलग अलग जिलों में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, पूरे देश में मैंने काम किया है। जब किस्त नहीं दे पाते ना, तो कोई आके उनकी बकरी ले जाएगा, कोई गैस का सिलेंडर ले जाएगा, कोई चूल्हा ले जाएगा, घर का फ्रिज ले जाएगा, गुंडागर्दी चल रही है रिकवरी के नाम। बिल्कुल ठीक है, तो ये दिल बहुत दुखता है। सरकार से निवेदन है, सरकार के पास बहुत पैसा है, और ये आज की न्यूज आ गई, 2,11,00,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, इसी से कुछ रिलीफ दे दो, कहां गया वो पैसा? तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, जनता को रिलीफ चाहिए। कर्ज मुक्त भारत अभियान देश की जनता के लिए, हर वर्ग के लिए है, वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का हो, बस भारतीय होना चाहिए, ये रिलीफ हर भारतीय को मिलनी चाहिए। दीपांशु जी, जो आपकी पार्टी है अखिल भारतीय परिवार पार्टी, ये एक, मैं इसको बहुत पुरानी पार्टी तो नहीं कहूंगा, चाहे आपके साथ जुड़े हुए लोग बहुत पुराने हो सकते हैं, बहुत संघर्ष करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आज अगर भारत की बात करें तो भारत में भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं वो, और 400 पार का नारा लगाते हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कहते हैं कि हम तो जीत चुके हैं, हमें जीत के लिए सोचने की जरूरत नहीं, हम जीत चुके हैं। इसी तरह से वो बाकी स्टेट्स में भी दावे करते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने पर्टिकुलर भाजपा पे मुझसे प्रश्न कर लिया, तो मैं भाजपा पे मैंने इसलिए किया क्योंकि इस समय भाजपा केंद्र में भी है और भाजपा जो है वो 400 पार का नारा ले रही है और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम तो जीते हुए हैं। देखिए, ये आप कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, चौथा, पांचवा, छठा फेज कल होने वाला है, तो भाजपा का ये 400 पार वाला नारा ना कहीं गुम हो गया है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज के टाइम में मुझे लगता है कि अहंकार से भरी पार्टी हो गई है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अभी कुछ दिन पहले का आप एक स्टेटमेंट देखिएगा, वो ये कहते हैं कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, उनकी फ्रिक्शंस नजर आ रही है कि अब हम जो है ना बड़ी पार्टी हो गई है, हम अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। जो पार्टी अपनी जननी को भुला सकती है वो जनता को भुलाने में समय नहीं लगाएगी, इस बात को मानिए आप। स्टेटमेंट आया संबित पात्रा जी का, अब संबित पात्रा जी को भारतीय जनता पार्टी ने ना झूठ साबित करने के लिए रख रखा है, तो भारत की जनता उनको संबित पात्रा नहीं, साबित पात्रा कहती है, कि झूठ को सच साबित करने वाला व्यक्ति साबित पात्रा। वो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, इतना घमंड, आप सोचिए भगवान जगन्नाथ क्या मोदी के भक्त हो सकते हैं? ये स्टेटमेंट कब है? ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए किसी भी न्यूज़पेपर में, उसके बाद उसने माफी भी मांगी इस चीज के लिए। तो साबित पात्रा जी, मेरे लिए तो वो साबित पात्रा है क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। देखिए, भगवान के हम भक्त हो सकते हैं, भगवान हमारे भक्त नहीं हो सकते। इनका क्या है, भाजपा का एक नारा क्या है, मतलब हमारे यहाँ तो जब आरती करते हैं भगवान की, कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये जनता को कहते हैं कि तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, ये जनता का भी छीन के खा जाएंगे, सब कहेंगे कि सब हमारा अपना है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में काम करने को राजी नहीं है। आदरणीय जो इनके प्रत्याशी हैं, उनसे जब चंडीगढ़ के बारे में सवाल पूछा तो कहते चंडीगढ़ में मुद्दे ही नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं बस केंद्र की सरकार है, मोदी जी के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे काम करेंगे। चंडीगढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या छूट गई जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, डंपिंग ग्राउंड की। हाँ, मैं भी वो बात बीच में दो बार मेरे माइंड में आई तो बातों में वो मुद्दा रह गया, कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड बहुत बड़ा मुद्दा है। डंपिंग ग्राउंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप यकीन मानिए कि जैसे जैसे आप, मैं 38 सेक्टर में रहता हूँ
और रात के समय 38, 37, 36, 35, इवन 25 सेक्टर भास्कर कॉलोनी, इधर पीछे चले जाइए जितनी बस्तियां हैं, शाम को सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप वो सोचिए, वो डड्डू माजरा के लोग, मलयो के लोग, उनकी स्थिति क्या होगी, उनके बच्चों की स्थिति क्या होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे गार्बेज पर्सन को जानता हूँ जो घर घर जाके गार्बेज उठाने का काम करते हैं। अभी मुझे कल ही पता लगा, हमारे यहाँ पे गार्बेज उठाने वाले भैया आते थे और उनके ना मतलब इस की वजह से इन्फेक्शन हो गए, उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए। हाँ। उसके उसके पाइप लगी है, पाइप के थ्रू खाना जा रहा है। मेरी ना रोनी आ गई आंखों से। वो बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता है, मेरा एक टच रहा है क्यों, क्योंकि मेरी माता जी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर भारतीय मेरा भाई है, पर जो आपके माँ की और पिता की जन्मभूमि होती है वहाँ से एक अलग अटैचमेंट होता है। और मैंने मतलब रहा नहीं गया, मैंने उनसे कहा भैया मुझे उससे मिलवा दो। उसने कहा डॉक्टर ने मना कर रखा है, पर जल्दी अगर हमें मौका मिला तो हम आपसे जरूर मिलवाएंगे। मेरे से रहा नहीं जा रहा। क्या स्थिति है ऐसे जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो भी ठेकेदारों का मतलब आज के टाइम में अत्याचार सह रहे हैं, अपने जीवन को दाव पे लगा करके चंडीगढ़ वासियों के लिए काम करते हैं, पर उनके लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम इस सरकार ने नहीं किए। अच्छा टंडन जी, अब जब उनको प्रेशर पड़ने लगा तो आदरणीय टंडन जी ने कह दिया कि हम इस पर फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे आने वाले। हाँ, वो तो कहते हैं इसको 3 से 6 महीने में डंपिंग ग्राउंड जो है खत्म हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बन जाएगा। आप बहुत साल से पत्रकारिता करते हैं जी, 2021-22 से ये मुद्दा बड़े चरम पे था। बिल्कुल ठीक, उससे पहले भी चलता है। किरण खेर जी ने भी इसको 3 महीने में खत्म करने की बात कही थी। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने पहले आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, ये स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए, जो इनके पार्षद हैं, जो काउंसलर कहा जाता है, ये स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए इंदौर गए कि इंदौर की तर्ज पे हम यहाँ से सारा गार्बेज खत्म कर देंगे। 2021-22 की बात होगी, आज 2.5 साल से ज्यादा हो गया, करोड़ों रुपया उस पर फूक चुके हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, जाइए, पिछले 2 साल में अलग अलग स्कीम बन चुकी है, 6 करोड़ रुपए से लेकर के 60 करोड़ तक का बजट आ चुका है। आदरणीय गवर्नर साहब भी इस पर कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी दे चुके हैं, पर ये कभी खत्म नहीं कर पाए। आपको लगता है जो इतने सालों से गवर्नर साहब ने तो 31 मार्च तक का टाइम दे दिया था, 31 मार्च से पहले पहले ही खत्म हो जाएगा। देखिए सरकारी योजनाओं में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टाइम मिलता है, फिर उसके बाद टाइम के बाद फिर टाइम मिलता है, और टाइम के बाद फिर से टाइम मिलता है, पर वो टाइम कभी नहीं आता जिससे समस्या का सॉल्व हो जाए, निराकरण हो जाए, समस्या समाप्त कर दी जाए। ये जानबूझ के इस समस्या को समाप्त नहीं करना चाहते। हम इस पे पूरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं 12 महीने के अंदर। ये मेरे मैनिफेस्टो में भी रहेगा, ये मेरे मैं एफिडेविट भी जनता के बीच लेके जा रहा हूँ। 12 महीने का समय दीजिए, जीतने के बाद में 12 महीने के अंदर अगर आपके कूड़े की समस्या को हम सॉल्व नहीं कर पाए, मैं चंडीगढ़ वासियों से हाथ जोड़ के खुले दिल से बोल रहा हूँ, तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए जो मैं जनता के लिए काम ना कर सकूं, तो क्योंकि इच्छा होनी चाहिए, पैसे की कमी नहीं है। ऐसा क्या प्लान है आपका, थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे उसको या अभी उसके बाद ही डिस्क्राइब करेंगे? सर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितनी भी हमारी टीम है, और जैसे आपको बता रहे हैं इंदौर में ये लोग गए, मैंने आपको बताया कि इंदौर में ये लोग गए, वहाँ पर हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने मैं जब ये टंडन जी का स्पीच आया ना कि 3 महीने में से समाप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा सर इतनी बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हैं, अगर उसे भी लगा करके आपको, क्योंकि बहुत सारे 3 अलग अलग प्लॉट्स हो गए, वो कई एकड़ों में फैला ग्राउंड हो गया, वो आप लगातार 3 महीने भी काम करोगे ना तो भी ये नहीं हो सकता, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। 6 मंथ में या 3 महीने में 4 महीने में आप इसको 25% सेग्रीगेट करके खत्म कर सकते हो। आप चाहोगे कि हम इसको एक बार में सारा खत्म कर दें, एक बार में बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। ये समस्या है, इसको सेग्रीगेट किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके खत्म किया जाएगा। अब 12 महीने का एक ऐसा टेन्योर है, उस पूरे टेन्योर में इसको अच्छे से समाप्त करना है। वो फुटबॉल ग्राउंड की बात कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अभी भी उनके पास समय है, सांसद महोदया उनकी अभी भी हैं प्रेजिडेंट, 4 जून तक तो हैं ही, है ना, और अभी भी 4 जून में लगभग 10 से 11 दिन का समय है। वो इन 10 से 11 दिनों में बच्चों के खेलने का एक छोटा सा क्रिकेट टाइप का छोटा सा पार्क ही बना दें, उसमें मैं मान जाऊंगा कि आप 3 महीने में वो खत्म कर देंगे, मैं आपके मन से खुली चुनौती देकर जा रहा हूँ। तो वो करना नहीं चाहते, एक करने की क्षमता होती है, मेरा मन नहीं है। देखिए दो ही चीज़ हो सकती है आप जब राजनीति में आते हैं, या तो आप करना नहीं चाहते या आपको करना नहीं आता। अब ये कहना भाजपा या कांग्रेस दोनों पार्टियों से कि उन्हें करना नहीं आता, ये तो गलत है। बहुत साल से सत्ता में है, ये 75 साल की सत्ता में मैक्सिमम टाइम कांग्रेस रही, उसके बाद भाजपा रही। अब इन दोनों पार्टियों से ये कहना कि इन्हें करना नहीं आता तो पॉसिबल नहीं है, ये करना नहीं चाहते जनता के लिए। अगर कर देंगे तो फिर अगली बार में मुद्दे कहाँ रहेंगे? ये बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये करना नहीं चाहते, समस्या को समाप्त नहीं करना चाहते। कांग्रेस का भी यही हाल है, तुष्टिकरण की राजनीति हमेशा करते आए हैं, धर्म जाति के नाम पे लोगों को बांटते आए हैं। और मैं एक बहुत बड़ा आग्रह आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता से करने जा रहा हूँ, मैं बसपा के बारे में लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं उनको, क्योंकि वो कार्डर बेचारा बड़ा कंफ्यूज है, बसपा यहाँ से कभी नहीं जीती ना जीतेगी। आप सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ जुड़िए,
जहां बिना किसी भेदभाव के आपको गले लगाया जाएगा, आपको जो मान सम्मान कहीं नहीं मिला वो मान सम्मान आपको इस पार्टी में मिलेगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप अपने फैसले खुद लेंगे, आपको किसी पार्टी के पास झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भारतीय हैं और हर भारतीय को अपनी जीवन का फैसला, अपनी राजनीतिक सोच का फैसला लेने का अधिकार स्वयं होना चाहिए। ये बसपा ने भी तोड़ने की बात की है, कभी इनका एक कमिटमेंट होता है तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, फिर इनको एहसास हुआ ये गलत हो गया, इन्होंने माफी मांगी सतीश चंद्र मिश्रा जी को आगे लेकर के, फिर इनका स्लोगन हो गया कि हाथी बढ़ हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। तो जहां नुकसान हुआ वहां पे फिर हाथ जोड़ के माफी मांग ली और फिर अपने फायदे गिनाने शुरू कर दिए। कोई तुष्टिकरण नहीं अखिल भारतीय परिवार पार्टी में, आप किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, पंथ के हों, सब आएंगे, सब रहेंगे साथ में और मिल करके चंडीगढ़ को बहुत प्यारा और रंगला चंडीगढ़ बनाएंगे। आप स्टूडेंट लाइफ से राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में कुछ लोगों को राज मिलता है, कुछ लोगों को पैसा मिलता है, कुछ लोगों को दुश्मनियां मिलती हैं, कुछ लोगों को दोस्तियां मिलती हैं, दीपांशु जी ने क्या कमाया है राजनीति से? देखिए राजनीति से प्यार बहुत मिला है, प्यार बहुत कमाया है और मेरा मानना है कि अब जाग उठो कमर कसो मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही हमको दुनिया और धीरी आवाज लगाती है। तो देखिए प्यार इतना मिला है जनता का और जनता की सेवा करने के लिए ही मैं राजनीति में हूँ। और मेरा जब राजनीति करियर स्टार्ट हुआ था तो स्टूडेंट लाइफ में जब मैं पहली बार छात्र संघ चुनाव लड़ा तो मेरी वाइफ भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी। अच्छा, तो पहली मुलाकात मेरी वाइफ से वहीं पे थी कि वो मेरे खिलाफ छात्र संघ चुनाव लड़ी, हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर के एफिडेविट बनवा रहे थे कि हमें एफिडेविट प्रोड्यूस करना था अपने नामांकन के दौरान, और वहाँ पे उन्होंने मुझे पहली बार देखा, मैंने उनको पहली बार देखा, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और फिर ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि हम फिर उसके बाद वैवाहिक गठबंधन में बन गए, विवाह हुआ हमारा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और आज हमारे 3 बेटियां हैं भगवान के आशीर्वाद से। तो कहने का मतलब दीपांशु जी को राजनीति से प्यार मिला और इसीलिए दीपांशु जी प्यार बांटते हैं। बहुत बहुत प्यार मिला। तो दोस्तों ये थे अखिल भारतीय परिवार पार्टी से दीपांशु शर्मा भारतीय जी, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ, राजनीतिक कैरियर और जो ये मुद्दे लेकर आए हैं, जो ये लोगों की समस्याओं को हल करने की बात करते हैं उसके बारे में इनसे बात हुई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।